सक्षम बनाना, हमारा भेदभाव के खिलाफ अपने स्तर पर आवाज उठाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, महिला और पुरुष को समान अधिकार देंगे, एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां महिलाएं और उभयलिंगी व्यक्ति हर मौजूद अवसर का लाभ उठा सकेंगे, फिर सभी समाज की ताकत बनेंगे और व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में समान सहयोग देकर एक खुशहाल समाज का निर्माण करेंगे। कि माननीय उपमुख्यमंत्री जी का मेरा सत सत वंदन, राष्ट्र की शक्ति जन जन के हैं ये चंदन, भारत माँ को आशा ही नहीं विश्वास होगा, धरा पर रखा हर लक्ष्य आपका पूर्ण रूपेण साकार होगा, पूर्ण रूपेण साकार होगा। धन्यवाद। एक बार सभी हमारी बहनें जोर से बोलेंगी भारत माता की, इतना धीरे से नहीं, मैंने जोर से कहा बोलने के लिए, भारत माता की जय। दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखो हम लोग जयकारा कहां से लगा रहे हैं, भारत माता, ठीक है ना। आज लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर अभी हमारी प्रदेश सरकार में सहयोगी मंत्री बहन विजय लक्ष्मी गौतम जी, इस मिशन की निदेशक सी इंदुमती जी दक्षिण भारत से हैं। आप लोगों को कई कुछ हिंदी समझ में नहीं आई होगी, थोड़ा थोड़ा नहीं आई थी ना समझ में, आई सबको समझ में जब बोली थी निदेशक महोदय, विजय मंत्री जी को सुन लिया, समझ लिया आपने, कई चीजें नहीं ध्यान में आती है तो जो ना ध्यान में आवे ना, तो आप तो महिला महिला बतिया सकती हो, इसलिए अब इस समय निदेशक के रूप में महिला इस नाते वह नेतृत्व भी कर रही हैं, क्योंकि यह पूरा जो कार्य है वो महिला सशक्तिकरण का। हमारे संयुक्त निदेशक शशिकांत त्रिपाठी जी, मुख्य लेखाधिकारी श्री अनिल कुमार मिश्रा जी और संयुक्त निदेशक अखिलेश कुमार बैस जी, यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण और प्रदेश भर से आई हुई हमारी सभी बहनें, मैं आप सबका पूरे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आप सब थोड़ा ठंडक भी है इसके बाद भी आप सब समय से पहुंची हैं, इसके लिए आपको बधाई देता हूं। आज इस बात पर हम सबको गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में जब से बागडोर आई है, तब से लगातार महिला सशक्तिकरण का एक संकल्प लेकर के उन्होंने जो हम सबको मंत्र दिया है, उसी के कारण से आज इस कार्यक्रम में भी समूह से जुड़ी हुई हमारी बहनें जो अलग अलग प्रकार के कार्यों को करती हैं, आप याद करिए 2014 से पहले क्या इस प्रकार से महिला सशक्तिकरण के लिए काम होता था क्या? उत्तर प्रदेश में 2017 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार बनी, उसके बाद इस सरकार को कहा जाता है कि डबल इंजन सरकार। डबल इंजन माने केंद्र में भी प्रधानमंत्री जी भी हमारे, मुख्यमंत्री जी भी हमारे, देश में भी हमारी सरकार और प्रदेश में भी हमारी सरकार। पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ चाहें कि हम महिलाओं की भलाई के लिए, गरीबों की भलाई के लिए कुछ अच्छा काम करें,
तो पहले की सरकारें उसमें बाधा डाला करती थी। जो लाभ आपको 2014 से मिलना चाहिए था, वह लाभ हम आपको 2017 में जब मार्च के महीने में हम लोग सरकार में आए उसके बाद देने की शुरुआत हुई। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, प्रदेश में किसी भी गांव में चले जाइए, आज हमारी समूह की बहनें वहां मिल जाती हैं। अब कई कई बहनें तो ऐसी हैं जो पहले 5,000 रुपए महीना कमाना भी उनके लिए मुश्किल था, अभी बीसी सखी के रूप में काम कर रही, वो बता रही कि हम तो 50,000 रुपए महीना कमाने का काम कर रहे हैं। और यह जो लक्ष्य कोई आज 50,000 कमा रहा है, आप में से कोई कम कमा रहा होगा, तो आपके लिए भी मैदान खाली पड़ा है। और आप अपना जो अपनी क्षमता है उसको समझो और उसके हिसाब से और प्रयास करो, और प्रयास करके परिणाम देने का काम करो। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का एक नारा कि बेटी बेटा एक समान, मतलब बेटी दूसरे दर्जे की नहीं है कि बेटा है तो वो तो अच्छे स्कूल में पढ़ाई करेगा, बेटी है तो उसको पढ़ने ही नहीं भेजेंगे। क्या अब ये हो रहा है क्या? ऐसा होता है? अभी बेटी भी अच्छे स्कूल में पढ़ेगी और बेटा भी अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। बेटा अगर पढ़ाई करके आईएएस अफसर बनना चाहता है तो बेटी भी आईएएस अफसर बन सकती है। आईएएस अफसर के रूप में आपकी निदेशक यहां पर बैठी हुई है। अगर बेटा कोई चुनाव लड़ करके जीत करके मंत्री बन सकता है तो बेटी भी कोई चुनाव लड़के जीत करके मंत्री बन सकती है। मंत्रिपरिषद की हमारी साथी विजय लक्ष्मी जी यहां पर बैठी हुई हैं। अगर बेटे के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं तो बेटी के रूप में देश के पहले प्रथम नागरिक के रूप में एक आदिवासी एक गरीब परिवार से आने वाली सम्मानित द्रौपदी मुर्मू जी आज हिंदुस्तान की राष्ट्रपति हैं। और जिस प्रदेश के हम सब लोग रहने वाले हैं, इस प्रदेश की प्रथम नागरिक जो राज्यपाल हैं आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, तो देश की प्रथम नागरिक, उत्तर प्रदेश की प्रथम नागरिक महिला ही हैं। अगर देश की सीमाओं की सुरक्षा में आज आप पता करो तो आप में से कई बहनें पता करती होंगी बेटियां किन किन क्षेत्रों में झंडा बुलंद करने का काम किया। तो देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सेना में आज बेटियां भी भर्ती हो रही हैं और वह सीमाओं की रक्षा करने का काम कर रही हैं। जिस युद्ध वाले जहाज से, लड़ाकू जहाज से दुश्मन को मार गिराने का काम होता है, उसके पायलट केवल बेटे नहीं हैं, आज बेटियां भी पायलट बन करके दुश्मन की नींद हराम करने का काम करती हैं। आज ये जो बदल आया है आप सभी के आशीर्वाद से आया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मुझे तो माताओं बहनों का आशीर्वाद है और मैं उनके आशीर्वाद के ताकत से ही देश की सेवा कर रहा हूं, गरीब की सेवा कर रहा हूं। अन्यथा जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में हमारी सरकार बनी थी उस समय 1,000 बेटियों में और 1,000 मतलब समानता इसी बात पे, पहले पुरुष और महिला यानी जितनी बेटियां होती थी उतने बेटे भी होते थे। लेकिन बीच में एक कालखंड ऐसा आया कि लोग बेटियां अगर कोख में हैं इसकी भी जांच करवा करके उनको कोख में ही मार देने का काम होता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बेटी और बेटे के बीच में जो संख्या है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए अनेक प्रकार के अभियान चलाए गए। और आज ये अनुपात का जो संकट था
जो सबसे पीछे थे, कई ऐसे राज्य थे हरियाणा जैसे राज्य, आज वह अनुपात बराबर हो गया है। और वह अनुपात बराबर होने में मातृशक्ति का भी सहयोग आशीर्वाद है। बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, बेटी को बचाओ, यह मंत्र माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। अगर बेटी नहीं बचेगी तो बेटे कहां से आएंगे? यह मंत्र जब देश को दिया तो उस देश के अंदर यह मंत्र की गूंज हुई और अलग अलग क्षेत्रों में आज बेटियों ने अपने झंडे को बुलंद करने का काम किया है, अपनी पहचान को स्थापित करने का काम किया है। आज हम लोग कहीं, आप बताओ, किसी हॉस्पिटल में जाओ तो क्या केवल पुरुष डॉक्टर मिलते हैं, महिला डॉक्टर नहीं मिलती हैं? मिलती है कि नहीं मिलती, बताओ? अगर आईएएस पुरुष बेटा बन सकता है और बेटी भी बन सकती है, अगर राजनीति के क्षेत्र में सांसद और विधायक पुरुष बन सकता है तो महिलाएं भी बन सकती हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी जी बन सकते हैं तो देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बन सकती हैं और आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी भी बन सकती हैं। अर्थात अब कोई फर्क नहीं रहा। और ये जो कार्यक्रम चला है, ये कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही था। अभी कुछ बहनों को मुझे सम्मानित करने का मौका मिला और जो बहनों को मैंने सम्मानित करने का मौका पाया, मैं उन बहनों के आधार पर मैं हर एक बहन का, जो इस कार्यक्रम में ऊपर भी बैठे हैं नीचे भी बैठे हैं, सबका सम्मान करता हूं। और यहां इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन हमारे विभाग के अधिकारी जिलों के अंदर तैनात है, प्रदेश की टीम के लोग हैं, उनको भी अभिनंदन देते, उनको भी सम्मानित करने का यहां पर काम हुआ है। यह सारी टीम वर्क का हिस्सा है। आप विश्वास देखिए बेटियों के प्रति कितना है, आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है? गांव की रहने वाली इसलिए मालूम होगा, गांव में कोटे की राशन की दुकान होती है और राशन की दुकान अगर आज किसी शिकायत के बाद निरस्त हो जाती है तो किसको मिलता है, बताओ जरा? तो यह विश्वास है कि नहीं है? पहले आपके घर में गैस का चूल्हा होगा, कभी गैस के चूल्हे में रोटी बनाओगी, कभी कल्पना थी क्या? लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चली और उसमें 9 करोड़ से अधिक महिलाओं के नाम से निःशुल्क गैस का कनेक्शन देने का काम हुआ। अगर ये मैं कह रहा हूं, अगर ये सपा बसपा कांग्रेस वाले होते तो 9 करोड़ गैस कनेक्शन में से वो 8 करोड़ गैस कनेक्शन बेच के खा गए होते, आपको नहीं मिलता? लेकिन ईमानदारी के साथ गरीब का हक गरीब तक पहुंचाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री, आज कोई बहन ऐसी है क्या जिसका बैंक में खाता नहीं है? क्या कोई? देश में लगभग 50 करोड़ बैंक खाते खुलवाने का काम हुआ, उसमें 55% महिलाओं के बैंक खाते खुले। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आवास दिए जा रहे हैं उसमें सर्वाधिक आवास महिलाओं के नाम से दिए गए कि नहीं दिए गए? मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं गांव की हर चीज जानता हूं, इसलिए आपके साथ ये चर्चा कर रहा हूं। पहले गांव में पक्का मकान जिसका है उसका घर के सामने बढ़िया शौचालय भी बना रहता था, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके पास तो झोपड़ी रहती थी, कच्चा मकान रहता था। अब बरसात में अगर पानी बरसने लगे वर्षा के काल में, तो जब मकान कच्चा होगा तो पानी चूता था। अब घर की माताएं बहनें ही रात में अगर पानी बरस रहा है तो पानी अब चू रहा है तो बंद करने के लिए कौन जाता था, बताओ? महिलाएं जाती थी, पुरुष जाते थे, बताओ? अब आज प्रधानमंत्री आवास योजना में जब पक्का मकान मिल रहा है तो जो गरीबों के विरोधी हैं उनकी छाती फटती है, उनको लग रहा है कि अगर सारे गरीबों को पक्का मकान मिल जाएगा, शौचालय मिल जाएगा, गैस का कनेक्शन मिल जाएगा, उनके बच्चों को भी अच्छा कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों की तरह ड्रेस और मिल जाएगा और किताबें मिल जाएंगी, वो भी पढ़ लिख लेंगे तो अभी सब सम्मान के साथ समाज में जीने लगेंगे। ये बहुत लोगों को सहन नहीं होता है, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? जैसे आप गांव में आप समूह चलाती हो, बताओ, समूह चलाती हो, अलग अलग प्रकार के कार्य करती हो, लेकिन आपका यह काम
कुछ लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा लगता है क्या, कुछ गांव में होंगे कि जिनको खराब लगता है कि नहीं लगता है, उनको लगता है ये फला परिवार की ये बहू और ये बेटी ये महिला ये पैसा कमाने लगी है, अब इसके सामने कौन सा झगड़ा खड़ा कर दो कि जिससे इसका जो पैसा कमाया खर्चा हो जाए, करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं आप सबको आज यहां पर ये कहने के लिए कि आज यह जो एक तरह से बेटी और बेटे में, महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं है, यह संदेश देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया और 25 नवंबर से यह कार्यक्रम शुरू हुआ। आज समापन के कार्यक्रम में मुझे कहा गया था कि रहना है, आज मुझे प्रयागराज में कार्यक्रम है वहां जाना है, मैंने कहा चाहे थोड़ा देर लग जाए प्रयागराज पहुंचने में लेकिन मैं बहनों के कार्यक्रम में जरूर जाऊंगा, इसलिए मैं आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर आया और आप सबको भरोसा दिलाना चाहता हूं, क्योंकि इस विभाग का उप मुख्यमंत्री के साथ साथ इस विभाग का मंत्री मैं हूं और मेरी सहयोगी बहन विजय लक्ष्मी जी हैं। आपको विश्वास सबको मैं दिला रहा हूं, हम चाहते हैं कि हमारा यह विभाग उत्तर प्रदेश में एक जो बुलंदी पर है, देश में भी बुलंदी पर है, इसे और बुलंद करना, इतना सशक्त करना, इतना प्रभावी करना है कि हर घर की एक बेटी एक बहन एक माता इस समूह का हिस्सा बने और उनके जीवन में जो दुख है उसको दूर करने का रास्ता खुले। अगर सरकार ने आपके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए रास्ते खोले हैं तो आपको भी सबको उसका लाभ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, अब पहले जो गरीब आदमी थे आप सबको मालूम होगा गांव में जो थोड़ा संपन्न होते तो उनके घर में बिजली लग गई और जो गरीब परिवार है उनके बेटे बेटी अगर पढ़ना भी चाहते हैं तो कैसे मोमबत्ती में पढ़ेंगे कि डिबिया में तेल मिट्टी का तेल डाल करके जला के पढ़ेंगे, मुश्किल रहती थी कि नहीं रहती थी। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं, अगर अमीर आदमी के बेटा और बेटी बिजली के उजाले में पढ़ेंगे तो मैं गरीबों के घर में उनसे बिना पैसा लिए उनके घर तक कनेक्शन पहुंचाऊंगा, उनके बेटी बेटा भी बिजली की रोशनी में पढ़ाई करेंगे, परिवार के साथ जीवन जिएंगे। लगा कि नहीं सब घर में बिजली, बताओ लगा है कि नहीं लगा? पहले ऐसे कितने परिवार थे बीमार पड़ जाते थे, बड़े बुजुर्ग या कोई युवा व्यक्ति भी, तो इलाज के लिए पैसा नहीं होता था, पहले जो होता था कर्जा लेता था, खेत गिरवी रखता था, जेवर बेचता था, बिक जाता था कि नहीं बिक जाता था, इलाज नहीं हो पा रहा। लेकिन आज जब आपने गरीबों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर सौंपी तो उन्होंने आयुष्मान भारत योजना का गोल्डन कार्ड आप लोगों को मिला है कि नहीं मिला है? गोल्डन कार्ड 5 लाख रुपया तक का इलाज कराने का मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला है तो जो आशा बहू आपके गांव की वो भी बनाती हैं, ठीक है? आपके जो पीएससी सीएससी है ब्लॉकों के अंदर भी जो बैठे सारे अधिकारियों को जो बीएमएम है उनको बताइए समूह की कोई भी ऐसी महिला जो पात्रता श्रेणी में है वह वंचित नहीं रहनी चाहिए, उसको आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपया तक का इलाज बिना पैसे के अस्पताल में जाके करा सके, वह कार्ड उनको उपलब्ध हो जाना चाहिए। यह भी मैं आज यहां पर निर्देश यहां पर दे रहा हूं और आप सब लोगों को यह आह्वान कर रहा हूं कि आप सबको जो जिम्मेदारी मिली है, जो काम मिला है, उस काम में जहां तक आप पहुंचे और आगे पहुंचने का रास्ता खुला हुआ है, आप आगे बढ़ें, सरकार आपके साथ खड़ी है, सरकार आपके जीवन को खुशहाल बनाना चाहती है, आपके जीवन में खुशहाली के वह तमाम अवसर प्रदान करना चाहती है जिससे बहुत दिनों तक लोग वंचित रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से या जो भेदभाव था, जो अंतर था बेटे और बेटी के बीच का, वह सब जो समाप्त करने की दृष्टि से 1 महीने का जागरूकता अभियान चला और जो उसमें विशेष स्थान पाए जिनको यहाँ प्रमाण पत्र देने का काम भी मुझे मिला उनको भी बधाई और जो लोग नहीं पाए आगे उनको और अवसर मिलेंगे उन सबको भी बधाई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, भारत सरकार के जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं आदरणीय गिरिराज जी का,
उसी मंत्रालय की राज्य मंत्री अपने उत्तर प्रदेश की हैं, साधु हैं, महामंडलेश्वर हैं, आदरणीय साध्वी निरंजन ज्योति जी का मैं हृदय से इस कार्यक्रम के माध्यम से धन्यवाद व्यक्त करते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए, सरकार आपके साथ खड़ी है, सबका साथ सबका विकास करने के संकल्प के साथ खड़ी है, यही निवेदन करके अपनी वाणी को विराम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक संकल्प के लिए मुझे कहा गया है, एक संकल्प लेना, जो अभी गांव गांव में आपने संकल्प लिया था, सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आदरणीय महोदय संकल्पकर्ताओं की संकल्प ऐसे कराने की कृपा करें। सभी लोग जरा खड़े हो जाएं, जो बच्चे लिए हैं वो नहीं अगर कर सकती हैं तो जो बच्चों के साथ आई वो अपने बच्चों को ध्यान रखेंगी, लेकिन बाकी लोग जो पुरुष हैं और जो महिलाएं, सबको संकल्प लेना है। महिलाएं हैं तो करती हूं कर लेंगे, और जो संकल्प है कर्ता पुरुष करता हूं कर लेंगे, मैं बोलता हूं उसको दोहराते जाना, आप सबके पास शायद होगा लेकिन दोहराएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं कि लिंग आधारित भेदभाव, लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन है और सम्मान के साथ जीवन जीने से वंचित करता है मुझे एहसास है कि हिंसा किसी भी जगह और किसी भी रूप में हो सकती है और यह किसी व्यक्ति के विकास और जीवन की गुणवत्ता को सीमित करती है मैं लिंग आधारित भेदभाव या हिंसा को अनुभव करने वाले सभी लोगों का साथ देने आवाज उठाने समर्थन करने और एकजुट रहने की आवश्यकता को समझता हूँ। इसलिए मैं शपथ लेता देखा करूंगा ना अनदेखा करूंगा और ना चुप रहूंगा मैं एक सुरक्षित समाज की रचना के लिए कटिबद्ध रहूंगा जहां सभी जन खासकर महिलाएं और बच्चे स्वयं को सुरक्षित महसूस करें मैं परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इसलिए मैं समानता का संकल्प लेकर लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने में अपनी भूमिका निभाने की शपथ लेता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद। इस बीच आपने जो बोला दे देती हूँ।